ट्रेडविद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनाया और अल्लाह ताला ने मुझे भी बनाया, और मुझे बनाया कि मैं आपको फायदा पहुंचा सकूं। इस चैनल के वसीले से मैं आपके साथ यानी कि बेहतरीन जो टिप्स होती है वो शेयर कर सकूं। कल हमने आपको जैकपॉट की बात की कि जैकपॉट है फौजी फूड, और फौजी फूड में आपके सारे अगर गम हैं तो दूर हो जाएंगे, अगर दुख दर्द नहीं है तो आप प्रॉफिट में इससे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी गेम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि फौजी फूड स्टार्टिंग में ही अपर लॉक लग गया और 75 लाख का बायर भी इसके ऊपर यानी कि था मुसलसल यानी कि कैप के ऊपर रहा। हालांकि सेकंड सेशन में गिरावट भी हुई लेकिन फिर भी फेयर नहीं हुआ। इसके अलावा भी इस तरह की स्पेशल कॉल्स और जो यूनिक कॉल होती है वो स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती है, जिनके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहे होते हैं और क्लाइंट को ट्रेडिंग करवाई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इसीलिए मशवरा दिया जाता है कि आप दूसरी जगह जो ट्रेडिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जहां आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट की बेहतर रहनुमाई करता है और क्लाइंट को बताता है कि ये स्टॉक चलने वाला है, ये स्टॉक गिरने वाला है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। आज की मार्केट के हवाले से हमने आपको बताया था कि मार्केट 94% ओवरबोट है, जैसे कि लास्ट टाइम भी 94% ओवरबोट थी। तो क्या गेम ओवर हो गई, मार्केट यानी कि अब डाउनसाइड की तरफ है? इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीलॉग के अंदर। कल चुके 94% ओवरबोट थी और आज का सिचुएशन यही थी कि पहले मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा हायर पे जाएगी, मौका देगी बेचने के लिए, फिर इसके बाद ये होगा कि मार्केट सेकंड सेशन में गिरावट की तरफ आ जाएगी। ये सारी बातें हमने ऑडियो कॉल के थ्रू हम अपने क्लाइंट को स्पेशल ग्रुप में बताते रहे। मार्केट 353 पॉइंट प्लस तक गई, 57,750 का हाई लेके मार्केट ने सेकंड सेशन में नेगेटिव क्लोज हुई, 56,977 तक गई मार्केट, तकरीबन 420 पॉइंट माइनस तक, और फिर फाइनली क्लोज हुई 333 पॉइंट माइनस के साथ 57,063 के करीब। ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 901 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल देखा जाए तो 1000 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, आज 901 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, मिसलिनियस, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन आपका नेगेटिव हुआ 119 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज डॉलर के अंदर गिरावट रही और पाक रुपीज आपका एप्रिशिएट हुआ, 286.50 के करीब क्लोज रहा। इसके साथ इसके अलावा पाकिस्तान एम्स टू बूस्ट फार्मा एक्सपोर्ट 1 बिलियन, इस तरह की न्यूज आई जिसकी जो कि पॉजिटिव थी सरली के लिए, सिटी फार्मा के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से अप्रूव हुए $250 मिलियन फॉर पावर ट्रांसमिशन के हवाले से, यानी अप्रूव हुए, तो ये पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान के लिए, एक अच्छी और एक बड़ी खबर थी जिसपे एशियाई तरक्याती बैंक ने $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इसके साथ भी अगर हम देखें तो बिजली के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कर्ज की मंजूरी दी गई, एशियाई तरक्याती बैंक ने फाइनली यानी कि दी। कल कुछ स्क्रिप्ट हमने आपके साथ शेयर किए थे जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें तो इत्तफाक भी आज यानी कि कैप के करीब बंद हुआ, फौजी फूड कैप के करीब बंद हुआ, SNGP ने नया हाई दिखाया, जनरल टायर थोड़ा चला गेल ऊपर के लॉक के करीब क्लोज रहा। बाकी स्क्रिप्ट में भी अगर हम देखें होंडा कार ने अपना टारगेट अचीव किया, और इसके अलावा PSMC ने अपना टारगेट देखा जाए तो GE Chennai ने अपना टारगेट अचीव किया, और इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक थे जिनमें टारगेट अचीव हुए, कुछ के नहीं भी अचीव हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो स्पेशल कॉल्स दी जा रही होती है। PRL के हवाले से गुड न्यूज ये थी कि PRL ओग्रा सील एग्रीमेंट अंडर द यानी कि ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी, इसके हवाले से गुड न्यूज आई थी जिसकी वजह से PRL आज थोड़ा सा स्टेबल भी था और थोड़ा हायर पे जाकर प्रॉफिटिंग भी नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोशन डिजिटल अकाउंट में फॉरेन इनफ्लोस यानी मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कमी हुई 79 मिलियन डॉलर की, जो कि नेगेटिव है, और महंगाई की कुछ शरह में
कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन IMF के मुताबिक एक्सपेक्टेशन है कि अब जो आने वाली रिपोर्ट होगी उसमें महंगाई की शरह यानी कि कम होगी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन देखा जाए तो $73 और इस वक्त अगर आप क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73.84 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में लेवल दिया गया था कि 75 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड की तरफ है, 72 का लो बना के क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर गया और इस वक्त 73.84 के पास है, 94 सेंट प्लस है। आज लास्ट डे क्रूड ऑयल का यानी कि रोल ओवर वीक यानी इसका भी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल 75 से लेके 74.50 से लेके 76.50 तक 77 तक मूव हो सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर आपके हाईली ओवरबॉट है, हाई साइड पे जा चुके हैं, थोड़ा ओवर बढ़ के इनमें गिरावट आ सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो 57,159 रेजिस्टेंस लेवल है हमारा और 56,769 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट कल 850 पॉइंट ओवरबॉट थी, आज मार्केट 366 पॉइंट ओवरबॉट के साइड क्लोज रही है। इसके अलावा वीक के साल के हिसाब से 9,555 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पर परफॉर्म कर रही थी, इस वक्त 9,121 के पास मार्केट में कुछ कमी हुई है, ओवरबॉट की परसेंटेज में कमी हुई है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कल के दिन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि 94% लास्ट जैसे कि जब मार्केट आपकी हायर साइड पे गई थी तो 94% ओवरबॉट थी और कल तक मार्केट 94% ओवरबॉट की साइड पर यानी कि आ चुकी थी। इस वक्त अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन तो मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 89% मार्केट ओवरबॉट की साइड पर परफॉर्म कर रही है, यानी कि आज मार्केट के अंदर हमने 5% की कमी देखी और मार्केट के अंदर 89% यानी कि ओवरबॉट की साइड पर जाते हुए देखा। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें कि मार्केट में क्या गेम ओवर हो गई है या मार्केट अब जो है वो मंदी की तरफ मूव करेगी, देखिए मार्केट काफी दिनों से ओवरबॉट परफॉर्म कर रही थी और 94% दो बार टेस्ट किया मार्केट ने, एक तो पहले और इस बार कल के दिन, और इसी वजह से हमने देखा पहले भी गिरावट आई थी 66% तक, 28% की करेक्शन की थी और अभी भी एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट करेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। गेम एक तरह से देखे तेजी की ओवर हो चुकी है, लेकिन हमारे पास स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा तो दोबारा गेम ऑन हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर गेम ओवर हो चुकी है, हमने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना होगा क्योंकि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, उसकी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स के हवाले से, इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है अब तक हम आपको देते आए स्टॉप लॉस नीचे का कि ये स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अब हमारा स्टॉप लॉस है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 57,350 रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अगर 57,350 से ऊपर क्लोज होगी और उसको मेंटेन करेगी तो मार्केट दोबारा तेजी का जो तसलसल है, तेजी का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगी। अगर 57,350 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट आपकी 57,000 से लेकर 57,200 तक जाती है तो मार्केट के पास चांसेस है कि मार्केट अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इस वक्त है 57,063 तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है मार्केट का 56,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 56,000 देखा जाए तो 56,000 का लेवल होगा, यानी कि मार्केट आपकी 57,063 के करीब क्लोज रही है और मार्केट के पास जगह है 200-250 पॉइंट शॉर्ट रिकवरी दे सकती है, लेकिन जब तक 57,350 या 400 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट सेफ जोन में नहीं होगी। 400 के बाद आप नई बाइंग कर सकते हैं, न्यू बाइंग 400 के बाद करें, उससे पहले अगर आप बाइंग करते हैं तो मार्केट शॉर्ट तो रिकवरी दे सकती है लेकिन ट्रैप हो सकते हैं आप, तो कोशिश ये करनी है 57,350 के बाद बाइंग करनी है, उससे पहले जो भी बाइंग की हुई है उसमें नफा बुक करना है। अब जो भी मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में मौका दे उसमें आपने नफा बुक करना है। मार्केट का पहला सपोर्ट है 56,800 और दूसरा सपोर्ट है 56,000, अगर 56,800 का लेवल ब्रेक होगा तो जिस तरह आपने मार्केट में आज 400 पॉइंट की गिरावट देखी इसी तरीके से शार्प तरीके से गिरावट देखेंगे, 56,200 तक शार्प तरीके से गिरावट देखेंगे, तो सेफ साइड होके चलें, एहतियात के साथ चलें क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट है इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के प्राइस के लिहाज से भी, स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज मार्केट की नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है जबकि वीकली बेसिस पे तो खैर मार्केट की क्लोजिंग बेहतर रही, 1671 पॉइंट इस वीक में भी मार्केट ने पॉजिटिव गेन किया, जबकि मंथ के एतबार से देखें तो मंथ के एतबार से भी मार्केट माशाल्लाह पॉजिटिव ही रही है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो पिछले दो वीक से तकरीबन देखा जाए तो 5600 पॉइंट 5100 पॉइंट यानी कि 10,500 पॉइंट का इजाफा हुआ है। उस हिसाब से ये कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट करेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी कि अगर हमारा स्टॉक 5-6 रुपए या 8 रुपए गिर जाएगा तो हमें स्टॉक एक्सचेंज बुरी लगने लगेगी, क्योंकि प्रॉफिट जाया होते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए यही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर जब तक 57,400 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती मार्केट सेफ जोन में नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें पीपीएल है, ओजीडीसी है, जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक है आपके स्क्रीन के ऊपर जिनमें काम हो सकता है, फौजी फूड हो गया 9.5 से 10.5 अभी भी मेंटेन करेगा हाई लेवल। इसके अलावा एनआरएन 265-275, जबकि जीएचएनआई नेक्स्ट वीक के लिए काफी पॉजिटिव है, 166 से लेके 175 के एरिया में ट्रेड कर सकता है। इसमें थोड़ा हायर पे सेल करें, डिप पे बाय करें, रैली कर सकता है। गेल भी आपका 5962 हो सकता है, जबकि अगर हम देखें इत्तफाक बेहतर हो सकता है 8 से 9। ओ बॉय, गेटम, एटलस बैटरी, एक्साइट, ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो सेक्टर्स बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, ज्यादा अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें, कम क्वांटिटी के साथ काम करें, अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट में जब करेक्शन स्टार्ट हुई भी है, अगर ये करेक्शन कंटिन्यू हो जाती है 500,000 पॉइंट की, तो आपकी जो स्टॉक्स होंगे वो हाई प्राइस के स्टॉक्स आपके हाथ में रह जाएंगे। तो इसलिए यानी कि सेटिंग के साथ और बहुत अच्छे स्टॉक चूज करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल शेयर की जा रही है, तो बताया जा रहा है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।